गाइस, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे कितनी लगी है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्टिच भी आए हैं। तो ये मैं साइकिल से गिरा था। यहाँ पे आप देख सकते हो मुंह की हालत भी कितनी ख़राब हो रखी है मेरे की। यहाँ पे पहले की हालत मेरी, उसका कारण क्या है गाइस आपको बताता हूँ। मैं 3 अप्रैल को रोज़ की तरह अपना साइकिल लेके निकला था, अपना नहीं अपने भाई का, अपना क्यों लेके निकला था। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी साइकिल की एक ब्रेक टूटी थी। तो टूटने का मतलब ये खड़े खड़े गिर गया था, तो उसकी ब्रेक टूट गई थी और इसका हैंडल में भी प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मतलब इसका साइकिल टायर तो एक ही जगह रहता है लेकिन हैंडल इसका ऐसे घूमता, तो मैंने सोचा इसको रहने देते हैं। और पुराने साइकिल चलाने का मेरा मन नहीं था, तो छोटे भाई का साइकिल लेके गया था मैं। और अभी गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइकिल की कितनी बुरी हालत हो रही है, मतलब ये डस्ट खा रही है, मतलब देखा भी नहीं जा रहा मेरे से, इतनी बुरी हालत हो रही है। इसकी वाली भी देख लो, अभी मतलब सड़ रहे हैं एक टाइप से कह सकते हो आप इनको। तो गाइस अभी हमने ये बाथरूम बनाया था, अब इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ अभी, तो इसकी वायरिंग वगैरह हुई है और थोड़ी देर बाद इसका प्लास्टर का काम भी शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे छोटे भाई का साइकिल। तो मेन कारण क्या था आपको गिरना, तो गाइस मैं जो है गली में साइकिल चला रहा था, तो मतलब उस गली से निकल गया, टर्न करके उसी गली में जा रहा था। तो हमारी उधर गली है, वहाँ पे एक गेट है वो हमेशा खुला रहता है। तो वहाँ से क्या हुआ, जबदम लड़कियाँ बाहर आई और मेरी स्पीड भी नहीं थी उतनी, मतलब नॉर्मल थी। तो मैंने क्या किया, जबदम जो है हैंडल मोड़ा अपना और साथ में दोनों ब्रेक सप्लाई की। पिछली ब्रेक तो इसकी लगती कम थी और अगली ब्रेक यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा भी हिला हुआ सब इसका। अगली ब्रेक यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी ब्रेक्स होती हैं लूज थी पूरी। तो ये आई थिंक रिम में फंसी और वहीं पे ये अगला टायर जो है लॉक हो गया। यहाँ तो हो सकता है ये ऐसे घूम गई हूँ क्योंकि ये दोनों लूज हैं, ये घूम के अगला टायर जो है मेरा पूरा लॉक हुआ एंड साइकिल यहाँ पे जो है पीछे से उठ गया। साइकिल जैसे गाइस उठा, मतलब जो साइकिल का अगला टायर था वो था एक नाली के मेन होल पे, वो लोहे का था। तो जैसे मेरा साइकिल पीछे से उठा, अगला टायर वहाँ से जो है स्लिप कर गया और देन मैं धड़ाम से गिर गया। और अभी आप फेस की हालत तो आपको पता ही है। यहाँ पे मुझे जो है एक स्टिच भी आया, आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टिच यहाँ पे नीचे आए थे मुझे 4, और मुंह पूरा यहाँ से छिल गया था। और मुंह की हालत भी अभी थोड़े दाने वगैरह निकल रहे हैं क्योंकि मुझे 5-6 दिन शुरू में मेरे खाना ही नहीं खाने गया, मतलब मुंह काफ़ी थोड़ा सा खुल रहा था मेरा। अब क्या ही कह सकता हूँ मैं, उन लड़कियों को सेव करने के चक्कर में गिरा। अगर उन लड़कियों को लगती तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सीन हो जाता, तो मैंने सोचा अपने पे ले लेते हैं। और अब तो मेरा मन करता है इसको फेंक दूँ नाली में कहीं पे। मतलब इसको जो है 3-4 दिन पहले ही रिपेयर करवाया था और नया साइकिल है बिल्कुल, 1-1.5 साल हुआ इसको लिए हुए। और मेरा भाई इतना चलाता भी नहीं था लेकिन मैंने कहा इसको रिपेयर करवा के रख दो, और इसका रिपेयर होने के बाद ये हालत है इसकी। ये भी पूरा लूज था, अभी तो थोड़ा बहुत टाइट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा लूज है ये। बाकी यार मैं आपने बता दूँ ना, आपने साइकिल ने ये वाले साइकिल मुझे आज तक कभी धोखा नहीं दिया। यहाँ पे मैं कम से कम इसको 2 साल कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे मेरे पास, आज तक धोखा नहीं दिया। एक बार हो गया था कि इसकी ब्रेक नहीं लग रही थी और जब मुझे चाहिए थी तब इसकी प्रॉपर ब्रेक लगी थी, तो उसने मुझे बचाया। और इसमें मैं आई थिंक रेयरली मैं 2 बार गिरा हूँ। एक बार तो मैं जब मैं इसे पहली बार नया नया लाया था तब मेरी हाइट भी छोटी थी, तो मैं ऐसे चलाते चलाते मतलब खड़ा था और मैं इसके ऊपर बैठा था तो मेरे से इसका भार या फिर मैं नीचे गिर गया। और दूसरी बार तो वही वाला केस हुआ था कि इस बार जो है मैंने पिछली ब्रेक दबाई थी, पिछली ब्रेक का यहाँ पर ये वाला दोनों एक साथ फंस गए थे और मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे चोट आई थी उस वक्त, लेकिन फिर भी मैं ठीक था। लेकिन अभी यार इनकी हालत देखी नहीं जा रही, मतलब डस्ट से पूरे जाले वगैरह लगे हैं और ये ब्रेक भी अगर मैं दबाता हूँ तो यहाँ पे मिट्टी की साउंड आती है पीछे से मुझे। यार अभी बहुत बुरा लग रहा है मुझे। बस यार लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि यार मशीनरी पे भरोसा मत करना यार, मतलब अगर आप अपना साइकिल लेके कहीं जा रहे हो तो उससे पहले 5 मिनट उसको बैठ के चेक कर लो कि उसका प्रॉपर है, पूरा ठीक है कि नहीं, फिर बाद में जाना तो देख लो मेरे साथ कितना बड़ा हादसा हो गया है। अगर इसकी ब्रेक वहाँ पे लॉक नहीं होती तो मैं नॉर्मल घर पे आ जाता, मतलब कंट्रोल करके। 2017 से मैं लगातार साइकिल चला रहा हूँ और ये इतना बड़ा हादसा पहली बार हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
एक्सपीरियंस वाला बंदा ये मार खा होगा, आम बंदा मार नहीं खाता। चला था